समय सह तालदे बदलुछि मनीष जीवन निजपई एक सुंदर जीवन गढ़ा आलें जे परेश क्षति पहुंचाऊे से प्रति कहारी निघा ना पशु पक्षी जीवजंतु वृक्षलता सबु होती प्रभावित बर्षा आरंभ हेले आगरु सबुज घास गालीचा उपरे नाली साढ़ी पिंधि चलाबुला करती साधव बोहू बा पाटपोक हेले आम पर पीढ़ी पई एही पोक विषय जानिबा हुए तो केवल बही रे ही सीमित रही ग्रीष्मर प्रचंड रौद्रतापर प्रकोप जीवजंतु अस्तव्यस्त करथिबा बेले मौसुमीर पहली वर्षार स्पर्श पाइबा परे पुलकित होई उठे वृक्षलता आ पृथ्वी पृष्ठ रे प्रकृति कोल रे जात हुवंती पाटपोक बाहरी आसंती लाल देहरे सृष्टिर सुंदर रूप सबुज घास गालीचारे जेतेबेले लाल रंगर पाटपोक देखा जाए लागे सते जेमिति धरणी राणी निजकु लाल साड़ी रे सजे होइतिबार भ्रम सृष्टि करुछि। वर्षा भिजा माटी रे जेबे एही सुंदर पोक कुनी कुनी पादरे चली चली जाए तेबे मन उत्फुल्लित तो आपे आपे हो जाए आ कवि और लेखकंकु प्रेरणा देथाय कविता लेखिबाकु। वर्षा आरंभ रे माने आसंती एवं वर्षा परे कुआडे चली जांती एही साधव बहु एबे किंतु हजि गलेनी माने खरा पड़ा सह मौसुमीर विलंबित आगमन एमानक संख्या को कमाई देछि। परिवेश प्रदूषण हेउ किबा जमी रे कीटनाशक प्रयोग एमाने किंतु बळी पड़ुछंती। वर्तमान रो परिस्थिति रे रासायनिक सार प्रभाव रे तथा जंगल शेष हवा प्रभाव रे ए पाटपोक रो निश्चिन्न हवा बसिलानी आगको मोर अनुमान इतिहास पलटिज एति दृष्टि दे अंत तो आगामी पिलांग पाटपोकटा गोटे स्मृति ही रही। मु 12 वर्ष टू पोक सहित जड़ित थी आणवार पिला सहित आम खेलकूद को गले धरवार किंतु वर्तमान पिला देखाटा कष्ट बहुत परिमाण दुसुले किंतु वर्तमान कम समय यह आषाढ़ मास रथजात्रा समय रे बहुल परिमाण रे दिसंती वर्तमान आउ दिसिवाटा कमी गेले। सूक्ष्म लाल रंगर पाट पिंधिथिबा बळी देखा जाउथिबा एही पोक कोनोसी क्षति पहुंचाउ नथिबारु छोट छोट पिला माने ता सहित खेळिबाकु खूब भल पांती एबे किंतु आउ मिलु नांती एही पाट पोक लुप्त प्राय होई गलेनी। वर्षा दिन आरंभ रे गार आखपाख अंचल रे एही पाटपोक आउ देखिबाकु मिलु नांती वर्तमान पीढ़ीर अनेकों पाई एही पाटपोक कहानी होई रही जाइछि। केवल आईमार गप किंबा बहिर पृष्ठारे लेखकर गल्परे ओ कविर संगीतरे एहा सीमित रही जाइछि। जलवायु परिवर्तन किंबा रासायनिक सारर प्रयोग पई हेउ अनेक जीवसत्ता कालर कराल गर्भरे लोप पाई जाइतिबा बेले वर्तमान पाटपोक मध्य विलुप्त अवस्था रे सबुबेला के पाटपोक बहुत सुंदर रथयात्रा समय रे ए पोकड़ा देखा जानती किंतु आमे बहुत खुजु मु आउ मो सांग माने बहुत खुजु पड़िया रे किंतु एबे जाय देखा जाय नाहंती आमको देखिवा को बहुत इच्छुक आमे किंतु एबे जाय आमको देखा जाय नाहंती बहुत सुंदर से गुडा इ लाल टुकटुक साधव बहु डंगर जमी गुडा करे देखा जानती आमर वर्षार प्रारंभ रे आउ चलित वर्ष आमे गोटे भी सेटा देखि पारलु नै बड़ दुर्भाग्य विषय आम भाव तो सीटा पृथ्वी पृष्ठ लोप पाइज यार बहुत उपकार अच्छे यहाँ लोप पाइबार कारण मुझे तापर उपकार कथा आपण मान प्रकाश करी यहाँ लोप पाइबार प्रधान कारण हूँ चलित बर्ष प्रथम ही बर्षार प्रादुर्भाव अत्यधिक रहा जोटा कि प्राकृतिक विपर्यय जो से देखादे ना द्वितीय कारण हूँ मनुष्यकृत कौन सी प्रकार डंगर जमी आउ वर्तमान पड़िया ना से गुड़ाक केवल डंगर जमीन ही देखा जाती चतुर्दिग मक्का फसल जो प्रबल मात्रा रे रासायनिक सार एवं रासायनिक विष प्रयोग करिवारु तार वंश लोप पाई जाउछि प्रकृति रे दुखर कथा कौन कले ये पाटपोकर वंश लोप पाइब ना यहाँ बर्तमान चिंतार विषय होती।
प्रकृति कोळरे जात होइ प्रकृति कुळकु फेरि जाउतिबा एही पाटपोकुकु सुरक्षा देबा पई समस्त जत्नवान हेवार आवश्यकता रहिछि। नवरंगपुर रु अंबिका दास को रिपोर्ट कनक न्यूज।